हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तैयार होके हेयर कलर करने जाने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा था कि अभी सितंबर में मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा था कि मतलब मैं साल में एक बार ऐसा हेयर कलर कराता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे एकदम धूप में दिखे वैसे टाइप के कलर। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरे साथ। अभी तो हम लोग बाइक पे जाएंगे तो मैं रास्ता नहीं दिखा पाऊँगा, बट हम लोग एक बार पहुँच जाए फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, एकदम बैग पैक है, अपने पास हेलमेट है एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट बांद्रा जाना है, तो एक घंटा लगेगा। होप करते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, अब चलते हैं, फटफट लेट हो रहा है। तो आज हमारा प्लान था नहीं वैसे हेयर कलर करने जाने का, आज हमारी प्रैक्टिस थी बट थोड़े लोग थे नहीं थे तो आज नहीं है। अभी एक तारीख को होगी तो ECL भी आ रहा है, तो ECL के लिए भी थोड़ा अच्छा दिखना है। तो मैं बोला थोड़ा बाल वाल कलर करते हैं, मतलब इतना एक्सट्रीम कलर नहीं बट एकदम हल्का सा, मेरे को मतलब थोड़ा सही लगता है जितना उतना कलर कर लेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, अभी हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटे बाद पहुँचे हैं और वो भी मैंने बाइक को मैन्यूवर करके यहाँ से निकाला। एक घंटा 20 मिनट दिखा रहा था, मैं 20 मिनट कम लेके आया, इसको थोड़ा उड़ा उड़ा के लेके आया। कहाँ गया ये देखो, हम लोग किससे टकरा गए। जिन लोग ने नहीं देखा होगा तो ये मेरी बड़ी बहन है जो नए व्यूअर्स है, और ये अनस है। ये अनस ने बहुत कांड किया एक हफ्ते के अंदर। नहीं किया मैंने कुछ, क्या किया मैंने बता, लेट आया ना ये पौना घंटा वेट कराया मेरे को रास्ते में। पता है क्या, तुम दिखाओ क्या तुमको एक बार कलर। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में जाने वाले हैं, जो एकदम भी ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे तो, सनलाइट में अच्छा दिखता है, वो करते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है तो आई थिंक थोड़े कट्स कट्स में डालना पड़ेगा। अभी 35 मिनट्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सोक इन करेगा और कलर आएगा, 35 मिनट्स में हम लोगों को वॉश करना पड़ेगा। अभी तो ऐसे फिलहाल सस्ता वाला जोकर लग रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ग्रीनिश और येलोइश वाइब दे रहा है, तो जब बाद में होगा तो अच्छे से दिखेगा। ऐसे करने का मन हो रहा था बट फिर याद आया कि बाल में तो नहीं कर सकते। अभी कलर हो देखो, तो अभी बाइक पर कलर करा दो, जाने दो। अभी हमारा डन तो हो चुका है, अभी ऐसे ऐसा कुछ कलर दिख रहा है, मतलब एकदम हिंट ऑफ ऐसा थोड़ा ब्राउनिश गोल्ड है और ये धूप में अच्छा दिखेगा, इसमें भी अच्छा ही दिख रहा है नो डाउट। और मेरे को थोड़े से ना बाल कटाने हैं, थोड़ा उसको टचअप देना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने बाल कटाया था थिंक 8-10 दिन पहले, बट थोड़ा सा फेडिंग और करनी पड़ेगी और बियर्ड करना पड़ेगा। मेरा एक महीना और जाने वाला है तो और बढ़ जाएंगे बाल, बट अच्छे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताओ कैसे लग रहे हैं, मतलब
ज़्यादा भी एकदम कुछ ऐसा वाइल्ड नहीं है और एकदम भी एकदम मतलब सटल अच्छा लगता है मेरे को, आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। सो गाइज वी आर डन विद आर हेयर डू मेक ओवर, जो भी बोलना है बोल लो। अभी तो अभी ये एश ब्राउन है और मिनिमल रखना था अपने को, ज़्यादा करना नहीं था। तो अभी हम लोग ने थोड़ा फेडिंग भी किया है और बियर्ड करा लिया तो और बेटर लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। और थोड़ा 5 दिन बाद थोड़ा और सेटल होगा हेयर स्टाइल तो और अच्छा लगेगा और थोड़ा लाइट होगा, थोड़ा दिन में जब देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। इमरान भाई तो है नहीं, हम लोग इमरान टू व्यू में आए थे तो इमरान भाई मिले तो नहीं, मिल के गए एक्चुअली, आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा। तो अगर आप लोगों को अगर बाल कलर करने हैं और हेयर स्टाइल के लिए आते भी है यहाँ पे तो मस्त है, यहाँ पे आओ आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपना एड्रेस और सब आओ यहाँ पे। जो भी मतलब आप लोगों को, जो भी लड़कियों को लड़कों को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के या लड़कियाँ होती है, दोनों होता है। मतलब मेरी बहन भी आई थी तो वो भी बाल कलर करा के गई है। तो वही, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो बताओ कमेंट में और आप लोग भी लेके जाओ अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास और बोलो कि ऐसे करना है हम लोग को बाल। तो अभी हम लोग अपने घर आ चुके हैं और अभी थोड़े बाल मैसी हो चुके हैं क्योंकि अभी हेलमेट पहना था हम लोग ने तो थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं। तो यही था, एक छोटा शॉर्ट अपडेट ब्लॉग था। मैं मतलब बाल कलर कराने जा ही रहा था तो सोचा आप लोगों को भी लेके जाओ। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये एक्चुअली थोड़ा ब्राउन हुडी, ब्राउन बाल, एकदम थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया। मेरा रूम भी ब्राउन ब्राउन है। ये रूम टूर हम लोग थोड़ा बाद में देंगे क्योंकि अभी 1-1.5 महीना बहुत ट्रैवल है तो आई डोंट थिंक सो मैं शूट कर पाऊँगा। और मैं मेरा गेमिंग सेटअप का भी वेट कर रहा हूँ तो वो भी एक बार लग जाए तो एक बार अच्छे से आपको एकदम मस्त से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी गुड नाइट हो जाते हैं, मेरे को नींद भी आ रही है क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि उसके बाद भी मैं टाइम पास करने 1-2 जगह गया था। बट कोई नहीं, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।